हेलो नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पास उम्मीद करता हूं कि आज टाइम बहुत कम होगा। खैर, आपके पास टाइम बहुत कम है तो एक्सरसाइज का ड्यूरेशन भी बहुत कम है, बिकॉज देर इज ओनली टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स डिविजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं, सॉरी, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जानेंगे और उससे संबंधित दो क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। और आपके पास समय कम है, एक्सरसाइज भी छोटी है, दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और ये देखिए एक्सरसाइज क्या कह रही है। एक्सरसाइज 5.2 आपसे कह रही है, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड का जो पाँचवीं अवधारणा है उस अवधारणा को हम कैसे पुनर्लेखित करें कि हमें ये समझने में आसानी हो, हम इसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये यूक्लिड की जो पांचवी अवधारणा है यानी फिफ्थ पॉस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, इसको देखना पड़ेगा। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। ठीक है, दो सरल रेखाओं पर अगर कोई तीसरी सरल रेखा आपतित होती है तो एक ही ओर भीतर की तरफ बनाए गए कोणों का योग यदि दो समकोणों से छोटा होता है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, तो वो दोनों सरल रेखाएं यदि अनंत तक आगे बढ़ाई जाएंगी, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, तो इनकी मुलाकात, इनको ये उस स्थान पर प्रतिच्छेदित करेंगी, ये उस तरफ इस उस ओर प्रतिच्छेदित करेंगी जिस ओर कोणों का योग दो समकोणों से कम है। ठीक है, क्या मतलब, बड़ा ही क्लिष्ट भाषा में इसको कहा गया, इसीलिए कहा गया भाई आसानी से समझाओ, है ना। तो पहले इसको क्लिष्ट भाषा के रूप में ही समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हम ये कोई दो लाइंस ले रहे हैं और इन पर ये तीसरी लाइन आई। ठीक है, यहाँ पे आप इन लाइंस को देख सकते हो, ये और ये वाले एंगल्स के थ्रू। अगर इन दोनों एंगल्स की बेटा हम बात करें तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। अभी अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, उसमें हम एंगल्स और सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, पूरा पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इतनी बात तो भाई सभी लोग जानते हो ना, ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स है, जो पहले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हो। कौन सा एंगल होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से ऊपर होता है। तो 0 और 90 के बीच में, यानी 1 डिग्री टू 89 डिग्री, जितने भी एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो इस एक्यूट एंगल के बारे में बात अगर हम करें तो क्या ये दो एक्यूट एंगल्स का सम अगर आप इनको जोड़ के देखोगे तो ये तो राइट एंगल से कम है, ये राइट एंगल से कम है, मतलब दोनों का सम जो होगा वो एक राइट एंगल तो हो सकता है लेकिन दो राइट एंगल्स के बराबर नहीं हो सकता, कम ही होगा। तो जब हम इन लाइंस को इनडेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने पर इनकी मुलाकात उसी ओर होगी जिस ओर ये जो सम है, जो योग है, ये 180 डिग्री से कम है, लेस देन 180 डिग्री जिधर है उसी ओर मिलेंगी ये। और इधर आप देख सकते हो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री से ज़्यादा वाले को 90 डिग्री से ज़्यादा वाले में जोड़ोगे अगर तो 180 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा, है ना। और 180 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा तो इनकी मुलाकात कभी हो नहीं पाएगी, इस ओर इनकी मुलाकात संभव नहीं है। किस ओर संभव है, जिस ओर ये दोनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होते। ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। इस फिफ्थ पोस्टुलेट को ये हमसे बोल रहे हैं कि आसानी से समझाओ, है ना। तो आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की फॉर्म में हम एक सिंपल सी बात कहें, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री दे आर इंटरसेक्टिंग। दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पहली बात तो ये हो गई, इंटरसेक्ट सेम साइड
वेयर सम इज लेस देन 180 डिग्री। बहुत ही आसानी से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कह दिया इंटरसेक्टिंग लाइन भी, आप समझ गए हो कि इन दोनों लाइन्स की मुलाकात होगी और किधर होगी, जिधर ये सम 180 डिग्री का होगा। लेंथ कुछ और भी बनाई जा सकती है, लेकिन आसानी से पूरी बात समझ आ रही है। सम ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स लेस देन, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। इंटरसेक्ट सेम साइड वेयर सम इज लेस देन 180 डिग्री, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डज यूक्लिड्स पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। इसको हटाए थे, एक बार रिपीट मार के देख लीजिएगा। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, यस ऑफ कोर्स इट इज, ठीक है। क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये बताता है कि अगर कोई दो लाइंस हैं और उन दो लाइंस को एक तीसरी लाइन अगर काट रही है, तो जो इंटीरियर एंगल्स सेम साइड होंगे, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम अगर लेस देन 180 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री, जैसा कि अभी हम लोगों ने सरल भाषा में समझा है, तो उस सरल भाषा में हम लोगों ने जो बात समझा है कि दो राइट एंगल का मतलब क्या कह दिया, टू राइट एंगल का मतलब हमने कह दिया 180 डिग्री, ठीक है। तो सम अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो लेस देन 180 डिग्री होगा तो इनकी मुलाकात इस ओर हो जाएगी, मोर देन 180 डिग्री होगा तो इस ओर इनकी मुलाकात नहीं होगी, और एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो आपको मालूम है कि इस तरफ अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो आपको मालूम है कि ये अगर हम कोई भी एंगल ले लें, सपोज कीजिए ये 90 होता और ये 90 होता, तो ये 90 और ये भी 90 होता, अभी 90 से ये जितना कम है ये उतना ही ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे अगर ये टोटल 180 डिग्री हम मान रहे हैं, इसको 180 डिग्री है, तो ये x होगा, तो ये 180 माइनस x, ध्यान से समझिएगा। और अगर ये x है तो ये 180 माइनस x होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, और ये 180 माइनस x है तो ये वाला किसके बराबर होगा, ये x के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो देख लो, 180 डिग्री माइनस 180 प्लस x करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, ये रहा x, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आप देखो कि इनका सम, जैसे अगर ये x है तो 180 माइनस x सम कितना मिला 180, उसी तरह से ये x है और ये 180 माइनस सम कितना मिला 180, समझ गए। तो यहाँ पर दोनों ओर आप देख रहे हो कि इधर भी सम जो है दोनों का एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री है, एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री है। हमने यूक्लिड के फिफ्थ पॉस्टुलेट से बेटा ये समझा था कि अगर टू राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री के से छोटा सम होगा तो उधर मुलाकात होगी, जिधर बड़ा होगा उधर मुलाकात नहीं होगी, अगर दोनों तरफ एग्जैक्टली होगा तो इनकी मुलाकात दोनों तरफ नहीं होगी, है ना। और अगर इनकी मुलाकात दोनों तरफ नहीं होगी, इसका मतलब है ये दोनों लाइन्स क्या हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई कर रहा है किस पर, एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाओं के अस्तित्व पर, पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है किसका, यूक्लिड के पाँचवें पोस्टुलेट का, ठीक है। इतना रखते हैं आज के लिए, एक बार फिर सभी लोगों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ, थैंक यू, धन्यवाद।